मेरा नाम रत्नेश यादव है। इस फिल्म को लेके काफ़ी समय से हम लोग कंप्लीट किए और अब रिलीजिंग हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसको हम लोग फरवरी में लगभग रिलीज कर देंगे सेकंड वीक में। ये टाइटल ऐसा है कि फिल्म की जो स्टोरी है उसके बेस पे ये नाम रखा गया है, और एक माँ की स्टोरी है जो कि अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि परवरिश करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया, इसलिए उसका नाम रियल एंड मदर रखा गया। जी, काफ़ी बॉलीवुड दिख रहे हैं इसमें सारे, जो भी स्टारकास्ट है, तो स्टारकास्ट की बात कीजिए, कौन कौन है? मतलब रानी जी, इसमें रानी जी हैं आपके, मनमोहन तिवारी जी हैं, संजय पांडे जी हैं, और मनमोहन के अलावा हमारे आर एस चौहान जी हैं, और देव हैं, धर्मेंद्र जी हैं, ऐसे काफ़ी आर्टिस्ट हैं। सर, फिल्म का पोस्टर देख के तो लग रहा है कि फिल्म में सिर्फ एक्शन ही होगा, एक्शन के अलावा कुछ दिखाई देगा? नहीं, एक्शन के साथ साथ फिल्म में जो गांव से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और साफ़ सुथरी फिल्म है। फिल्म के गाने बहुत प्यारे हैं, आपको हम दिसंबर में गाने हमारे रिलीज होने जा रहे हैं, रिलीज होने के बाद आपको पता चलेगा कि फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई। सर, म्यूज़िक की बात करें तो कितने गाने होंगे, क्या आइटम सॉन्ग? आठ गाने हैं, उसमें से दो आइटम सॉन्ग हैं और बाकी सब गाने हैं। एक देश भक्ति गाना है जो बहुत प्यारा है, मेरे हिसाब से भोजपुरी फिल्मों में पहली बार बहुत दिनों बाद देशभक्ति गाना मिलेगा आपको सुनने को। फिल्म की शूटिंग की बात करें तो कहाँ-कहाँ पे शूटिंग हुई? फिल्म की शूटिंग हमने गुजरात राजपिपला में किया, उसके बाद आपके विक्रमगढ़ जो कि थाने में आता है वहाँ शूट हुआ है, और मुंबई फीचर स्टूडियो में किया हमने। नहीं, फिल्म के डायरेक्टर का चेंजेस नहीं है, फिल्म के डायरेक्टर वही था और शुरू से ही था, वो राइटर थे और आज भी राइटर है। जी, तो ये रिलीज होने वाली है फेब तक हम लोग इसको सेकंड वीक तक रिलीज कर लेंगे। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि एक बार इस फिल्म को देखिए, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद आप लोगों को एक साफ सुथरी अच्छी फिल्म जो कि पूरी फैमिली साथ देखने लायक फिल्म बनी है, और शायद मेरे हिसाब से भोजपुरी सिनेमा में एक नई शुरुआत होगी इस फिल्म से।